फिलहाल और कैसी जानकारी आपको मिल रही है मतदान केंद्रों की बात करें तो कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं अपराजिता? हुड्डा अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद, उनकी पत्नी, अपने बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यहाँ से उम्मीदवार दी है, साथ ही उनकी पत्नी भी यहाँ पर वोट देने पहुंचेंगी। अगर बात करूँ तो यहाँ पे कई लंबी क्यू लगी हुई है, काफी गर्मी हो गई है, मगर फिर भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए। महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है, यहाँ पर पुरुष भी यहाँ मौजूद है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। वोट देने आए हैं आप लोग? वोट देने आए हैं आप लोग? अच्छा, क्या सोचकर, क्या विचार किए हैं आप लोग? कई लोग यहाँ पर हैं, अपराजिता लगातार वहाँ पर जो वोटर्स की जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं, हम देख पा रहे हैं, खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन आपने जिक्र किया गर्मी का, गर्मी काफी बढ़ गई है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल, कितना तापमान, मैं अगर बात करूँ वहाँ पर कितना तापमान है और कैसा उत्साह, कितना रुझान जो है वो वोटिंग को लेकर के लोगों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, क्योंकि लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, बिल्कुल जिस तरह की हमने परसेंटेज भी बताया, किस तरह से 9 बजे तक के जो परसेंटेज है वो काफी बढ़िया है, जिस तरह से वोटर्स यहाँ पहुंचे हैं वोट करने के लिए। तो हालांकि गर्मी काफी है, मगर एक थोड़ी राहत है कि जिस तरह की गर्मी हालांकि देखने को मिल रही थी, उतनी ज्यादा आज गर्मी अभी तक तो नहीं है। हालांकि देखते जाएंगे जिस तरह से दिन बढ़ता जाएगा, शायद धूप और चढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी, मगर फिलहाल यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और हम देख सकते हैं तो यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा ढका हुआ है, इनक्लोज है, कहीं ना हवा भी चल रही है, तो परिस्थिति थोड़ी बेहतर है यहाँ पर। तो जो वोटर्स है वो परेशान उतने नहीं हो रहे हैं जितना उम्मीद लगाई जा रही थी। और देखिए, धूप भी है, गर्मी भी है, मगर थोड़ी राहत भी है, मगर जो लोग यहाँ पर काफी जागरूक है वोट देने के लिए आए हुए हैं लगातार, कई महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आए हुए हैं, यूथ भी आए हुए हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं यहाँ पर, लाठी लेकर भी कुछ लोग आए हुए हैं, सहारा के साथ लोग आए हुए हैं, अपने बच्चों के साथ भी आए हैं। तो जागरूकता काफी है यहाँ लोगों के अंदर, लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर लोगों के और कई लोग हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं कि किस तरह से वोट देना चाह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि एक तरीके से साइलेंट वोटर्स हैं, मगर वोट देने वो लोग पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दिखा रही है और जो जैसा कि तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, पुरुषों की अच्छी खासी लंबी लाइन जो है वो देखने को मिली है। महिलाएं क्या यहाँ पर ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही, क्या महिलाओं की संख्या थोड़ी कम नजर आ रही है शायद? जी बिल्कुल, मैं आपको अगर महिलाओं की दिखाऊं तो महिलाओं एक अंदर कतार बना हुआ है जहां पर महिलाएं मौजूद है, तो आइए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर कतार लगी हुई है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा इनक्लोज एरिया में इन्हें रखा गया है ताकि गर्मी से ये परेशान ना हो, तो कुछ महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई है। वोट देने आए हैं आप, क्या क्या सोचे हैं, कुछ तो सोचे होंगे, कुछ विचार किया होगा? कुछ नहीं, विचार तो 15 की रह गेरा, हाँ हमारे गाँव का वाले सो ब्याह है, 15 की गेरांगे। चलिए अपराजिता, ये तो आप कोशिश कीजिए कि हम उनसे ये नहीं जानना चाहते कि वो किसको वोट कर रहे हैं, आप इनसे बस यही जानने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप भी बताइए कि इंतजाम किस तरह के हैं, क्योंकि कुछ पोलिंग बूथ पर हमने देखा कि अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, शेड भी लगाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं लोगों को धूप से बचाने के लिए। हालांकि आप भी इस पोलिंग बूथ की जानकारी दे रही है, महिलाओं को थोड़ा सेफ एरिया में खड़ा किया गया है धूप से बचाने के लिए। पानी की भी व्यवस्था देखिए पोलिंग बूथों पर जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि खुद मौसम विभाग ये कह चुका है कि गर्मी बढ़ेगी अभी और, तो ऐसे में क्योंकि मतदान प्रतिशत भी ज्यादा करवाना है तो चुनाव आयोग की भी कोशिश है कि तमाम वो सुविधाएं जो हैं अपने मतदाताओं को दी जा सके ताकि वो बढ़ चढ़कर वोट करने के लिए पहुंचे, तो वो सुविधाएं भी नजर आ रही हैं अपराजिता। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं को अंदर का एरिया दिया गया है जहां पर बिल्कुल धूप नहीं लगी हुई है वहां पे, साथ ही कूलर का भी व्यवस्था किया गया है ताकि लोग के गर्मी की वजह से वो परेशान ना हो। अगर हम यहाँ देख सकते हैं तो एक शेड एरिया है जहां पर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं वहां पर यहाँ पे खड़े हैं, तो शेड एरिया है, तो काफी गर्मी का हालांकि कहा जाए तो सामना अभी फिलहाल नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे शेड एरिया है जहां पर सभी जो वोटर्स हैं वो मौजूद है, खड़े हैं, तो कह सकते हैं कि परेशानी इन्हें फिलहाल अभी यहां तो नहीं हो रही है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो जहां पर कूलर लगा हुआ है, महिलाओं के लिए स्पेशली यहाँ पे कूलर लगा हुआ है जिसके सामने वो खड़ी हैं, तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। वहीं सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कई सारे पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बुजुर्गों को चेयर दी जा रही है, देख सकते हैं जिस तरह से बुजुर्ग आए हैं, तो यहाँ पे चेयर की व्यवस्था भी की गई है कि अगर किसी को ज्यादा परेशानी होती है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए चेयर की व्यवस्था की गई है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। कुछ परेशानी होती है पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो कह सकते हैं कि पूरी तैयारियों के साथ किया जा रहा है कि वोटर्स को किसी भी तरीके की परेशानी यहाँ पर ना हो,
सुविधा से वो यहाँ पर वोट दे सके, और जब वो घर जाए तो बाकी लोग जो अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं वोट देने के लिए उन्हें भी उत्साहित कर सके कि वोट देने वो यहाँ पर पहुंचे। और देखिए लंबी कतार यहाँ पर हालांकि लगी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है लोग अपने काम से थोड़े फ्री होते जा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं वोट देने के लिए। क्योंकि हमने देखा था जिस तरह सुबह जब 7 बजा था तो अचानक से 4 से 5 वोटर्स पहुंचे थे पोलिंग बूथ पे, वही जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों का जो आने का जो प्रक्रिया है वो बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि लोग काफी जागरूक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी काफी व्यवस्थाएं की जा रही है कि किसी तरीके से वोटर्स को परेशानी नहीं हो। वहीं वोटर्स के द्वारा भी कोऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, वेरिफिकेशन की जा रही है और पूरी तरीके से वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह से आप सुबह सवेरे से ही 7 बजे से वहां पर पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं, लगातार आप देख रही हैं किस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है इस वोटिंग को लेकर के, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का अगर आंकड़े की बात करें तो लगभग 10% मतदान इस क्षेत्र में हुआ है जहां पर आप मौजूद हैं, लेकिन कितने लोग मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे थे 7 से 9 के बीच, और 9 बजे के बाद की अगर बात करें तो क्या रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मतदान केंद्र पर मतदाताओं की? जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर 7 बजे की बात करें तो बिल्कुल आप भी लाइव में थे, हमने देखा था करीब 4 से 5 लोग ही उस वक्त मौजूद थे, महिलाएं भी वहां पर पहुंची थी, मगर जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है देखिए, क्योंकि घर गृहस्थी की बात अगर करें तो महिलाएं थोड़ी व्यस्त होती हैं, तो जैसे जैसे उनका काम खत्म होता जा रहा है उस तरह से ये लोग पहुंचते जा रहे हैं पोलिंग बूथ पे। तो धीरे धीरे बिल्कुल कह सकते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उस तरह से जो वोटर्स हैं उनकी जो नंबर है वो बढ़ती जाएगी, तो लोग काफी जागरूक हैं। जिस तरह जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हम देख सकते हैं हमारे पीछे और भी लंबी क्यू लगती जा रही है, तो लोग यहाँ पे लगातार आने का जो प्रक्रिया है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो 10 बजे का समय है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे वोट करने के लिए। इससे पहले उनके परिवार के कई लोग यानी उनके बड़े भाई, उनके भाई भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने वोट डाला है अपना। और तो कह सकते हैं कि थोड़े थोड़े समय में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा जो वोटर्स का जो क्यू है वो बढ़ता जाएगा यहाँ पर, फिर देखने वाली बात होगी किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि अगर यहाँ की हम बात करते हैं तो अभी पूरे शेड में जितने भी वोटर्स यहाँ पर है अभी पूरे शेड में उन लोगों को डाला गया है, क्योंकि काफी सारे वोटर्स हैं मगर फिर भी एक लाइन में कतार में उन्हें खड़ा किया गया है, शेड में वो लोग अभी खड़े हैं। मगर देखने वाली बात होगी जिस तरह से दिन बढ़ता जाएगा अगर वोटर्स की जो नंबर ऑफ वोटर्स है अगर वो बढ़ते जाएंगे तो किस तरह से उन्हें एडजस्ट किया जाएगा, क्या उन्हें धूप में खड़ा किया जाएगा या फिर और भी एरिया को, जिस तरह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ क्या उस एरिया को भी भर दिया जाएगा, अलग तरीके से क्यू बनाई जाएगी, वो भी देखना होगा। तो देखते हैं किस तरीके से तैयारियां कहीं ना कहीं पहले ही अपराजिता चुनाव आयोग की तरफ से कर ली गई होंगी, पहले ही चुनाव आयोग ने सोच कर इस तरह के इंतजाम जो है वो किए गए होंगे, हमें भी पूरी उम्मीद है। और आपने हुड्डा परिवार का जिक्र किया, वोट डालने के लिए पहुंचेगा हुड्डा परिवार, और इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं अलग अलग हमने एरिया से देखी है, गांवों से देखी है, जहां पर तमाम जो दिग्गज हैं राजनेता हैं वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और लास्ट में वोट डालने के बाद वो एक अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि आप भी घरों से निकले और मतदान करें, बढ़ चढ़कर ये मतदान होना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज उस बार जो है हरियाणा का वो बढ़ना चाहिए। खुद जो है तमाम दिग्गजों की तरफ से, नेताओं की तरफ से भी ये अपील इस तरह की जो है की जा रही है अपराजिता। जी बिल्कुल, लगातार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि वो वोट डालें, सभी काम छोड़ के, हमने सुना था मुख्यमंत्री के द्वारा भी कल एक वीडियो मैसेज जारी किया गया था, उन्होंने कहा था कि सभी वोट देने के लिए पहुंचे, उन्होंने खुद भी कहा था कि सबसे सुबह वो वोट देने जाएंगे, इस तरह की बात की जा रही है। तो सभी लीडर्स के द्वारा ये प्रोत्साहन किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है सभी वोटर्स को कि बिल्कुल वो वोट देने जाए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो लगातार बीजेपी के द्वारा भी कहा जा रहा था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उन पर काफी फोकस था कि वो वोट करने जाए, स्टडी करे कैंडिडेट्स के बारे में, तमाम चीजें कही जा रही थी। और अभी भी लगातार हम जिस भी लीडर को सुन रहे हैं, जब भी वो वोट डाल के वापस आ रहे हैं तो उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है सभी वोटर्स को, वो इनकरेज कर रहे हैं कि जो घर पर हैं वो बाहर निकले, वो वोट करे, ये जो राइट है उनका उस चीज को फॉलो करे और ये वोटिंग करने के लिए पहुंचे। हम देख सकते हैं कई बुजुर्ग भी यहाँ पर आए हुए हैं, कई यंगस्टर्स भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई बुजुर्ग भी यहाँ पर सहारा लेकर मगर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट देने के लिए, महिलाएं भी आई हुई हैं, सभी काम छोड़कर यहाँ पर महिलाएं भी आ रही हैं। तो सकते हैं कि काफी जागरूकता है, अगर इस गांव की बात करें तो काफी जागरूकता नजर आ रही है लोगों के अंदर, लगातार जो लोगों का जो सिलसिला है आने का वो बढ़ता जा रहा है, क्यू लंबी होती जा रही है यहाँ पर, लोग तो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं यहाँ के लोग। जी
जी बिल्कुल अपराजिता, सही कहा आपने कि लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस मतदान केंद्र पर किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है, अभी तक तो आप बता रही हैं कि छांव है, थोड़ा कुछ शेड है तो इसलिए वहां पर छांव है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ेगी, तो किस तरह के इंतजाम है यहाँ पर? जी बिल्कुल हिते, अगर मैं आपको ये पूरा एरिया दिखाऊं तो यहाँ से अभी एंट्री हो रही है जहां पर वो लोग जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए, तो एक लंबी लाइन यहाँ पर फिलहाल देखिए हिते लगी हुई है, मगर मैं बाकी एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी लंबी एरिया है जो अभी यहाँ पर है, तो अभी ये खाली हालांकि इसको रखा गया है, मगर देखिए जिस तरह से टाइम बढ़ता जाएगा, वोटर्स बढ़ते जाएंगे, तो बाहर हालांकि अगर गेट के बाहर की मैं बात करूं तो गेट के बाहर काफी दूर है, तो कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, जो खाली स्पेस अभी यहाँ पे शेडेड एरिया है, छांव वाला एरिया है, मोस्टली पर वोटर्स को क्यू में कतार में खड़ा किया जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से एक जो मॉक ड्रिल तरीके की चीजें कहते हैं वो भी यहां पे की गई है, तो अभी हालांकि जरूरत नहीं पड़ी है कि इस एरिया का इस्तेमाल किया जाए, मगर कह सकते हैं कि जिस तरह से वोटर्स बढ़ते जाएंगे, दिन चढ़ता जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो धूप है जो अभी गेट के उस तरफ है, कह सकते हैं जिस तरह से दिन बढ़ता जाएगा शायद धूप थोड़ी अंदर भी आने लगेगी, तो पूरी तरीके से इंतजाम किया जा रहा है, तो इस एरिया में मोस्टली कह सकते हैं कि वोटर्स को एडजस्ट किया जाएगा ताकि उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो अंदर में एक एरिया दिया गया है जहां पर कूलर भी है, वहां पर महिलाओं को खड़ा किया गया है, मगर अगर महिलाओं की बात करें तो करीब 5 से 6 महिलाएं ही वहां पर उपस्थित थी। अब जिस तरह से दिन बढ़ता जाएगा महिलाएं भी आती जाएंगी, महिला वोटर्स भी आती जाएंगी, तो उनके लिए भी अलग से एरिया किया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से उन्हें भी एडजस्ट किया जाता है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और देखिए अगर इन्हें परेशानी नहीं होती है तो जो लोग पहुंचेंगे अपने घर पे वो भी बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो वोट देने के लिए पहुंचे, तो पूरी तरीके से यहां पे तैयारी की गई है। इस पोलिंग बूथ की बात करें तो पूरी तरीके से तैयारी की गई है कि किसी